आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, आपके अपने चैनल स्वादों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आधा कप खसखस को कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये हमें 1-2 मिनट के लिए ही करना है, जिससे कि इसकी नमी निकल जाए और खसखस क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। हमें इसका रंग बदलने नहीं देना है। इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच घी, 1 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप शुगर पाउडर, 1/4 कप दूध डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। स्वाद के लिए इलायची पाउडर 1/2 चम्मच देंगे। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठली ना बने। अगर बीच में चलाना छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। इसको गाढ़ा होने तक लगातार चलाते रहें। हमारा मावा गाढ़ा हो चुका है। गैस बंद कर देंगे और मावा को कढ़ाई से निकालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मावा के ठंडा होने पर थोड़ा सा हाथ में तेल अप्लाई करेंगे ताकि मावा हाथों में चिपके ना। मावा के पेड़े काटकर लोई बनाते हुए लोई के बीच में दबाकर उस पर गुलाब जामुन रखकर पूरा कवर कर देंगे। जो बॉल बनेगी उस पर खसखस की लेयर चढ़ा देंगे। इस तरह जो मिठाई बनेगी उसमें सबसे ऊपर खसखस की लेयर, उसके नीचे मावा, सबसे अंदर गुलाब जामुन होगा। बाकी के मावे से इसी तरह गुलाब जामुनों को कवर करते हुए मिठाई बना लेंगे। इसको सर्व करने से पहले फ्रिज में रखकर ठंडा करें। सर्व करने से पहले आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से मिठाई को गार्निश कर सकते हैं। ये मिठाई देखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट भी है। मिठाइयाँ बनाइए, खुशियाँ बांटिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।